में हमें आपको नबी की शान में नाते सुना रहे थे। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उस बात तक, उस हस्ती तक पहुंचने के लिए मैं आपको थोड़ा जोड़ना चाहता हूं। वो हस्ती जानी पहचानी है, लब और लहजे के साथ अगर आप कायदे इत्मीनान से सुनेंगे तो आपके बात समझ में आएगी, वरना बात क्या होगी। एक मर्तबा एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, बड़े जोश और खरोश के साथ बयान में बात बात ये बात आ रही थी कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बार बार ही बयान में आ रहा था। एक नौजवान लड़का जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो सामने बैठा हुआ सुन रहा था। जब उसे बर्दाश्त ना हुआ तो खड़ा हुआ और यूं कहा, हजरत काफी देर से आप यूं बयान कर रहे हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बार बार ये कह रहे हैं, ये बताइए सास ससुर के कदमों के नीचे क्या है। तो मुफ्ती साहब समझ गए बड़ा वाला कोई भंडल है। हजर ने कहा, बैठो आपके भी काम की बात होगी। हजर ने कहा, सास के कदम के नीचे कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। बात समझ में आ गई, ये सास के कदमों के नीचे ये है। बहर कैफ आप कायदे से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। कारी साहब जाते जाते हमें ये भी बता गए, अभी सुबह का एक वाकया है, मैं माहौल को बनाना चाहता हूँ। हजरत मुफ्ती हिलाल साहब के आने से पहले मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। अभी आज ही सुबह की बात, जो मेरे ऊपर एक हालात सामने अचानक आए, फजर की नमाज पढ़ के मैं बैठा हुआ था और मेरी ढकरवा चौकी से इंचार्ज साहब और साथ में दो और सिपाही आए, आवाज दिया, मैं बाहर गया, आदाब हुआ, साहब क्या हुआ। तो इंचार्ज साहब यूं मुझसे बोले कि मौलाना साहब अभी 4 बजे का आदेश हुआ है ऊपर से कि मस्जिद का हारन 1 रखा जाए, बाकी ज्यादा हो तो उतार लिया जाए। अभी आज की बात बता रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सुबह का वक्त है, ऊपर चढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, 1 क्या है, हम सब उतार लेंगे, हारन की क्या बात, हम सब उतार लेंगे। लेकिन मैंने अपने चौकी ढकरवा इंचार्ज से कहा, साहब मेरे जहन में एक शेर बार बार यूं गर्दिश कर रहा, अगर आप सुने तो मैं सुनाऊं। नए नए चौकी इंचार्ज साहब थे, अभी 2 या 3 दिन आए हुए, ताला मोहन साहब सुनाइए। तो मैंने बगैर सोचे समझे बगैर धड़क के यूं कहा, क्या कहा, ए बहेस्त में मौला मकाम देता है उसे, बहेस्त यानी उसे मौला जन्नत में मकाम देता है जो नबी के नाम पर अपनी जान देता है। अरे कहां कहां पर लगाओगे पाबंदियां, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। बहर कैफ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और यूं कहूंगा कि हमारे इलाके बल्कि जिला सीतापुर की नुमाइंदी हर जगह करने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दामत बरकात उमालिया आज हमारे मेहमान बने हैं। मैं हजरत वाला से इस शेर के साथ दावत इस्ते देना चाहता हूँ। मेरा दिल क्यों ना हो कायल तेरी सहरुल लिसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयाने का। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब सीतापुरी दामत बरकात उमालिया। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزیزان محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مشائخ عظام طلباء کرام پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام آپ کا جلسہ چل رہا ہے اور کافی دیر سے مولانا بیچارے محنت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ہمارے بچپن میں ایک گھڑی چلا کرتی تھی پلاسٹک کی بنی ہوتی تھی وہ پانی میں ڈوبی رہتی تھی اس کا نام جانتے ہو کیا ہے واٹر پروف تو ہمارا مجمع بھی کبھی کبھی واٹر پروف ہو جاتا ہے کچھ اثر نہیں ہوتا چاہے جتنا چلاؤ اور ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں ملا ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو بڑا اچھا انداز تھا ان کا البیلا تو جو بچوں کے بارے میں کہتے تھے ان کو کیوں آگے بٹھالتے ہیں جب ٹی وی کی بات آتی ہے وی سی آر کی بات آتی ہے فلموں کی بات آتی ہے تو یہ خود آگے بیٹھتے ہیں بچوں کو پیچھے کرتے ہیں اور جب دینی بات آتی ہے جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں بچے آگے ہوتے ہیں تو ہمارے دینی مجلسوں کا یہ ماحول باوقار ہونا چاہیے اور سمجھدار لوگوں کو آگے آنا چاہیے سمجھنا چاہیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے انشاءاللہ اسی ضمن میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ قرآن کے نام پر آج کی یہ تقریب ہے آج کا یہ جلسہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا قرآن تمہارے لیے دلیل ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل ہے بے شک قرآن اس کے کچھ حقوق ہیں اور ہر سوسائٹی سماج اپنے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے مطالبہ کرتی ہے اور جب لوگ اسے پورا نہیں کرتی تو چھوٹی سی پنچایت سے لے کر کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ تمام عدالتوں تک جاتی ہے قرآن کا بھی یہی حال ہے قرآن کا اگر مسلمان نے حق ادا نہ کیا تو یہ قرآن کل اس کے خلاف گواہی دے گا کل اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس لیے قرآن کریم کے حقوق کی رعایت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے علماء کرام نے قرآن کریم کے پانچ حقوق بیان کیے ہیں تفصیلاً تو نہیں لیکن اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی پہلا حق ہے قرآن پر ایمان رکھنا ایمان بالقرآن قرآن پر ایمان رکھنا قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ پر قرآن نازل ہوا تنزیل من رب العالمین رب کائنات کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات پر قرآن پر ایمان رکھنے کے کیا مطلب ہے جب قرآن اٹھاتے ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد
दूसरी सूरत शुरू होती है अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फी। अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान तो कुरान था, पहले सफ़े पर हमने देखा लिखा है कुरानुल मजीद। अल्लाह ताला को कहना चाहिए था ना यहाँ पर अलिफ लाम मीम जालिकल किताब के बजाय जालिकल कुरान कहना था, लेकिन अल्लाह ने कुरान का जिक्र नहीं किया। जिक्र भी कुरान का नाम है, अल्लाह ने इसका जिक्र नहीं किया कि यह जिक्र है, बल्कि कहा है किताब है किताब, और किताब वो होती है जिससे लिखा जाता है। हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किताब कुरान नाज़िल हुई। हम जानते हैं कि कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बारगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे कुरान करीम नाज़िल हुआ है। लेकिन मसला समझ में नहीं आता कि कुरान को किताब क्यों कहा गया और किताब के साथ में एक अकीदा भी जोड़ा गया, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पर नाज़िल हो रहा है, किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पर उतर रहा है, और इस किताब की और इस कुरान की हिफाजत करने वाले सीने मौजूद हैं। इस किताब की इस कुरान को सीने में महफूज करने वाले सिद्दीक अकबर मौजूद हैं। इस किताब को लिखने वाले हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, सहाबा की जमात मौजूद है, किसी पैगंबर के सहाबी ने इस कुरान को इसी किताब को चमड़े पे लिखा, किसी पैगंबर के साथी ने इसी किताब को हड्डियों पे लिखा, किसी पैगंबर के सहाबी ने इस किताब को पत्थर पे लिखा। जालिकल किताबु ला रैब फी, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों और मोमिनों से अल्लाह ने यह वादा दे रखा है, ये अकीदा बता दिया, ये ईमान बता दिया कि ये अल्लाह के बंदे हैं जिनका इंतखाब रब कायनात ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ किया है। ये किताब है, लिखने वाले ये हैं, नबी पर उतरता है कुरान की शक्ल में, और ये किताब की शक्ल में इसे नोट करते हैं। नबी पर कुरान उतरता है, ये किताब की शक्ल में अपने पास तहरीर करते हैं। ये कातिबीन वही है, इनकी जात पर अगर शक करोगे तो इनकी तहरीर पर शक आएगा, अगर इनकी जात पर शक करोगे तो कुरान पर शक आएगा, अगर इनकी जात पर शक करोगे तो यकीनन कुरान पर तुम्हारा एतमाद मिट जाएगा, अगर इनकी जात पर तुम शक करोगे कुरान पर ईमान उड़ जाएगा। और दुनिया जानती है अगर मुसलमान है ईमान पर उसका, अगर उसका ईमान कुरान पर नहीं है, हर दुनिया का हर इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, उसके दिल के अंदर ईमान नहीं रह सकता। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, लिखने वाले कौन? सहाबे किराम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, किताब को इस कुरान को लिखने वाले हैं कातिबीन वही सहाबे किराम है। इनका किरदार जिस तरह आला है, इनके मकाम जिनके मकाम जिस तरह आला है, ये तकद्दस वाले हैं, ये अजमत वाले हैं। रब ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनका इंतखाब किया है, इसलिए ये पैगंबर के साथी हैं। नबी न लिखना जानते थे, नबी न पढ़ना जानते थे, अल्लाह ताला ने अपनी शान से अपनी कुदरत से प्यारे पैगंबर पर जब इल्म का दरिया बहाया तो इस अंदाज पे बहाया, आज तक ऐसा इल्म न किसी को मिला है न मिल सकता है। प्यारे पैगंबर तो वो थे जिनको पहलों का भी इल्म था और बाद में आने वालों का भी इल्म था। अल्लाह ताला ने आपके पैगंबर की जबानी तमाम वो बातें बतला दी और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को समझा दी। मोहम्मद रसूल अल्लाह ने समझा दिया, आने वाले वक्त ये होंगे, ये अलामत होंगे, इस तरह के हालात होंगे। तो मेरे अजीजों, कुरान करीम को अल्लाह तबारक ताला ने नाज़िल किया तो हमें अकीदा समझाया था कि अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह के कुरान पर हमारा ईमान बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए।
बेशक उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ला रही बफी, कोई किसी तरह का भी शायबा हमारे दिल में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आप उठाइए तारीख इस्लाम को कि जब से ये दुनिया कायम हुई आज तक अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला ज्यादा है और किताबों का नाजिल करदा सिलसिला अल्लाह का कम। चार किताबें मशहूर नाजिल हुई और सहाइफ नाजिल हुए, किताबों की शक्ल कम है, किताबें भी आईं सहाइफ भी आईं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल किया वो तादाद मुख्तसर है, लेकिन किताबों को समझाने वाले जिनको अरबी जबान में रिजालुल्लाह कहा जाता है और जो किताबें नाजिल होती हैं उनको किताबुल्लाह कहा जाता है, किताबुल्लाह को भी अल्लाह ने नाजिल किया और रिजालुल्लाह को भी अल्लाह ने नाजिल किया ताकि दुनिया के हर इंसान तक जो अल्लाह का मकसद है, जो अल्लाह को बताने का मकसद है, अल्लाह को समझाने का मकसद है, उम्मत को अल्लाह से जोड़ने का मकसद है, किताब भी दी और साथ में किताब के साथ में अंबिया को भेजा कि जाओ उम्मत तक समझाओ, एक एक मसला बताओ, अल्लाह का कानून बताओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर इंसान कैसे चले। तो किताबुल्लाह का भी सिलसिला चला और रिजालुल्लाह का भी सिलसिला चला, तो किताबें भी आती रहीं और रिजालुल्लाह की शक्ल में कभी आदम सबीउल्लाह आए, कभी इस्माइल जबीहुल्लाह आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, कभी यूसुफ सिद्दीकुल्लाह आए, कभी ईसा रूहुल्लाह आए, कभी मेरे अजीजो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए और सबसे आखिर में हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो रिजालुल्लाह की भी एक फहरिस्त है जो सबसे ज्यादा है और यही वजह है मैं उनके कान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो ये कहते हैं जी कुरान तो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, एक खत है, जैसे चाहो पढ़ो, जैसे चाहो खोलो, जैसे चाहो समझो, उसमें उलमा की क्या जरूरत है और दुनिया की कोई लुगत हमें बतलाओ। अल्लाह ताला ने कहा, वो दलील देते हैं जी हमारे कुरान में अल्लाह ने कुरान के सिलसिले में कहा है वयस्सरनल कुरान, हमने कुरान को बड़ा आसान कर दिया है, जो चाहे पढ़े, जो चाहे समझे, जो चाहे जिस तरीके से मतलब निकाले, जो चाहे उस पर अमल करे। तो मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं यसरना का जो लफ्ज है इसका माना पूरी दुनिया में कोई हमें ये समझा दे कि कोई चीज इतनी आसान हो कि जो बगैर किसी से समझे, बगैर किसी से जाने, बगैर किसी से सीखे समझ में आ जाता हो, इस लफ्ज का तर्जमा दुनिया की किसी किताब के अंदर दिखा दे कि बगैर उस्ताद के समझ में आता हो, बगैर किसी समझने वाले के समझा जा सकता हो। ये तो उसूल अल्लाह ने समझा दिया है, किताबें कम नाजिल की हैं और किताबों को समझाने वाले ज्यादा नाजिल की हैं। आदम अलैहिस्सलाम थे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने पैगंबर आए हैं सारे पैगंबरों का काम है अल्लाह ने जो किताब उस वक्त उस जमाने में नाजिल की, जब तौरात को नाजिल किया तो उसके साथ में पैगंबर को नाजिल किया, जबूर को नाजिल किया उसके साथ में पैगंबर को नाजिल किया। मेरे अदीदो और इसी तरह अगर कोई किताब नादिल होती रही, सहीफे नादिल होती रहे, होते रहे, पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा, क्या मतलब है? ये अल्लाह का कलाम है, पैगंबरों तक सही मानों में अल्लाह के बयान करदा मकासिद पैगंबर ही बता सकता, बेशक कोई और नहीं बता सकता। और आज के जमाने में 1400 साल के बाद अगर कोई कहे जी हम तो बगैर उन लोगों के जिनके पास डिग्रियां हैं, जो सनद हासिल करते हैं, जो इल्मी दरसगाहों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास इतनी अकल है हम कुरान को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। कुरान समझने के लिए जिन उलूम की शराइत थे सबसे पहले उन उलूम का आना जरूरी है। कुरान समझने के लिए बड़ों की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। ये 10 साल तक जो अलामा अपनी जूतियां रगड़ते हैं, जो अपने सारों और अपने सरों पर कफन बांध के खड़े रहते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कुरान करीम को समझा जाए, उसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। वो कुरान को समझने के लिए 10-10 साल 11-11 साल लगाते हैं और आप कहते हैं जी नहीं इनकी क्या जरूरत है, हम खुद ही समझ लेंगे।
तो मैंने आपके सामने कुरान की आयत की रोशनी ये बात वादे कर दी है, किताबुल्लाह को बगैर रिजालुल्लाह के कोई नहीं समझा सकता, न कोई समझ सकता है। किताबुल्लाह के बाद रिजालुल्लाह का सिलसिला हुआ, और जब आखिरी पैगंबर आए, आखिरी किताब आई, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा और ताबईन तबे ताबईन के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब नबियों का काम ये करेंगे, किताब ये समझाएंगे, कुरान ये समझेंगे, कुरान ये समझाएंगे, कुरान के माने इन्हें पता है, कुरान के अल्फाज इन्हें पता है, कुरान का सही तर्जमा इन्हें पता है, सही तफसीर इन्हें पता है। अगर इनकी तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तक पहुंचती है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तक पहुंचती है, वो सनद के अतबार से इंतहाई मजबूत है, और वही तफसीर है, और वही कुरान करीम का सही मानों में मतलब और मानी। और अल्लाह ने खुद कहा है, इन्ना जमाहू कुराना, कुरान को इकट्ठा करना, आपके सीने पे नक्श करना, ये हमारा काम। इन्ना अलैना बयाना, पैगंबर घबराना नहीं, इसके एक एक लफ्ज के मानी मतलब तफसीर तमाम चीजों का बयान करना ये मेरा काम है, इसकी वजाहत करना मेरा काम है। और पैगंबर के साहब ने हर एक वजाहत को समझा भी है, जाना भी है, उस पर अमल भी किया है, और उम्मत तक अमानत समझ करके इसको पहुंचाया भी। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान का पहला हक है ईमान बिल कुरान, कुरान पर ईमान रखना। अब अल्फाज में बाज लोग कहेंगे और कहते हैं, जी कुरान का तर्जमा जब तक ना समझो। मैंने कब कहा भाई, तर्जमा समझो, तब तर्जमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, उलमा की सोहबत में बैठो। हम तो चाहते हैं, हमारे बड़े तो जगह जगह ऐलान करते हैं, कहते हैं भाई दरसे कुरान होना चाहिए, अवाम को कुरान से जोड़ो, कुरान समझाओ। हम कम मना करते हैं, जी जब दरसे कुरान होगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास काम है, इतना टाइम नहीं है, दरसे कुरान हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं। हमने कब मना किया? हमारा तो मिशन है गली गली कूचे कूचे में अल्लाह के कुरान का एक एक दर्द पहुंच जाए, हमारा तो ये मिशन रहता है। हमने कब मना किया? लेकिन हाँ, समझोगे किससे? इंजीनियर का नक्शा डॉक्टर से समझोगे? इंजीनियर का नक्शा कागज पर कलम तो इंजीनियर भी चलाता है, और कागज पर कलम डॉक्टर भी चलाता है। एक आदमी इंजीनियर से नक्शा बनवाए और समझे जाकर के डॉक्टर एमबीबीएस से, यह अकलमंदी होगी, ये बेवकूफी होगी ना, यह अकलमंदी तो नहीं हो सकती। अकलमंदी तो यह है जिस विभाग का, जिस शोबे का जो इंसान है उससे जाकर के मालूम करो, जो उसका माहिर है उससे मालूम करो। कुरान के माहिर है, इनके पास बैठो। डॉक्टर का कुरान सुन करके आपको मसला समझ में नहीं आएगा, बल्कि अगर डॉक्टर का कुरान सुनोगे जो समझा रहा है, तुम्हारा ईमान भी चला जाएगा, ईमान भी चला जाएगा। इंजीनियर के समझाने से कुरान न समझो, समझो उलमाए किराम से। पड़ोसी मुल्क में बैठ करके डब्बे में, एक कमरे में बैठ करके वीडियो ऑनलाइन चला करके पूरी दुनिया को कुरान और हदीस की बात की जाती है, कुरान और सुन्नत की बात की जाती है। और एक आदमी है जिसको गांधी का नाम जाना जाता है, समझ लो, पहचान लो गांधी का नाम, पड़ोसी मुल्क का है। मेरे भाई, मैं तो कहा करता हूँ और अल्लाह ऐलान कहता हूँ, अगर उलमा ये कहते हैं हमारे इलाके में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई गांधी नहीं है, कोई इंजीनियर मिर्जा अली का मानने वाला नहीं है, ये आपकी भूल है। जिस गली में, जिस कूचे में, जिस बस्ती में, जिस आबादी में 4G 3G मोबाइल चल रहा है, कितने पनप चुके हैं। जिस घर के अंदर 4G चल रहा है, उस घर में फितने आ चुके हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से हट करके नहीं कह सकते हमारे इलाके में कोई इंजीनियर मिर्जा अली को मानने वाला नहीं, और कोई गांधी साहब को मानने वाला नहीं है। कौन गांधी है? मुनकरे हदीस है। कौन गांधी है? वो कहता है कि हमारे यहाँ कुरान
पे अमल होगा और साथ में सुन्नत पे भी अमल होगे। ये बड़ा अच्छा लगता है, हर कोई सुनते भी अच्छा लगता है। बात तो हम भी कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की बात है, कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। कुरान और सुन्नत ही शरीयत का एक बढ़िया रास्ता है जिस रास्ते पे चला जा सकता है। लेकिन सुन्नत का मतलब तो समझो, हमारे यहाँ सुन्नत का मतलब है अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का तरीका, सहाबा का तरीका, सहाबा किराम का तरीका और असहाबे किराम का तरीका, इसका सुन्नत का मतलब है। और गांधी साहब सुन्नत का मतलब क्या बता रहे हैं, गांधी साहब कहते हैं प्यारे पैगंबर ने हजरत इब्राहिम से लेकर के और हजरत ईसा और मूसा के दौर तक जो बातें इस्लाम के अंदर उनके दौर की रखी हैं वो तो सुन्नत हैं, और जो बातें नबी ने अपने तौर पे बतलाई हैं वो सुन्नत नहीं है, उसी पर ईमान रखा जाए। ये सुन्नत का तर्जमा कराया है। जिसका ये तर्जमा हो और जिसका ये अकीदा हो उसके दिल में ईमान बाकी बच सकता है। इसलिए मैंने कहा कुरान को समझो, कुरान के मफाहीम को समझो, कुरान के मानी को समझो, उलमा के पास बैठो, फितनों से बचे रहोगे, उलमा से रोज़ मुलाकात करो, इनके पास जाओ, इनकी दरसगाहों में जाओ, एक एक वक्त में बैठो, इनसे बात करो, तुम गुमराही से बचते रहोगे। मैंने कहा था कि कुरान करीम पर ईमान रखना है। अब एक आदमी कुरान करीम खोलता है, एक आदमी समझाता है, अजी अलिफ लाम मीम पढ़े, तुम्हें पता चला क्या कहा अल्लाह ने? अजी तुमने कहा जालिकल किताबु ला रैब फी, कुछ पता चला इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबह से शाम तक जितनी नमाजों में पढ़ते हो तुम्हें पता चलता है? तुम्हारे पढ़ने से जब तुमको पता ही नहीं चलता इसमें क्या है, इसका माना पता नहीं चलता, इसका मफहूम पता नहीं चलता, तो तुम्हारे इस तरह के पढ़ने से क्या फायदा? खलजान पैदा किया जाता है आवाम में, लोगों में खलजान पैदा किया जाता है। सिर्फ तुम्हारे कुरान पढ़ लेना काफी नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अगर एक अल्फाज का अलिफुन, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर किसी ने अलिफ भी पढ़ा, लाम भी पढ़ा, मीम भी पढ़ा, एक एक लफ्ज को जो पढ़ा है वो समझ नहीं सकता, वो जान नहीं सकता अलिफ लाम मीम के माने क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के माने क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज पर प्यारे पैगंबर फरमाते हैं उसे सवाब मिलेगा। तो हमारा ईमान ये होना चाहिए कुरान करीम हमारी समझ में आए या ना समझ में आए, हर हाल में हमारा ईमान कुरान पर रहना चाहिए। कुरान करीम समझ में आए या ना समझ में आए, अलिफ लाम मीम का माना न हमें पता है और न प्यारे पैगंबर को और न अल्लाह ने किसी को बतलाया है, फिर भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम जिक्र किया, यासीन जिक्र किया, हामीम जिक्र किया, ऐसे अल्फाज जिक्र किए जिनको हरूफ मुकत्तात कहते हैं, जिनके माना और मफहूम उम्मत तक को नहीं पहुंचाए गए न समझाए गए। पता ये चला हमें ना समझ में आता है इसके माना क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा अल्लाह हमसे मुतालबा करता है कि तुम कुरान करीम पर ईमान रखो। हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं, समझ में आए या ना समझ में आए हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग बढ़े आगे कि चलो भाई तर्जमा समझ में आ जाए, तर्जमा पढ़ लिया, किसी आलिम के दरसगाह में बैठ गए, किसी दरसगाह में बैठ गए, किसी दरस कुरान में बैठ गए, तफसीर सुनने लगे, और डॉक्टर थे या इंजीनियर थे तो दिल में ख्याल आया भाई ऐसा है कि कुरान कुछ कहता है, तजर्बा कुछ कहता है, मुशाहिदा कुछ कहता है। और जैसे कि एक ज़माने में जब कुरान करीम की आयत की तफसीर व नदाउल मवादीना किस्त की बात गुफ्तगू की गई तो एक तबका खड़ा हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ के तराजू रखेगा, उसके आमाल तोले जाएंगे हर इंसान के, चाहे वो बद हो चाहे जिस अंदाज के हो, अल्लाह ताला उसके आमाल का तराजू रखेगा, तोला जाएगा। भाई अमल दिखता नहीं है और कुरान कहता है कि आमाल को तोला जाएगा, आमाल को उसका वजन किया जाएगा। वो तबका कहता है जी नहीं, हमको समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए ये आयत हमारे
हमारी अकल के मुवाफिक नहीं है, इसलिए हम इस आयत के मतलब और इसके मानी के इनकार करते हैं। हम नहीं समझना चाहते इस आयत करीमा से। हजरत शाह मुहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में अर्ज किया है, इंसानों के हर दौर में तीन तरह के जहन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कभी आला तरीन जहन होता है, कभी सेकंड जहन होता है, कभी नीचे सबसे थर्ड किस्म का जहन होता है। बसा औकात जो आला लोगों के जहन होते हैं, जो ऊपर फर्स्ट क्लास के लोग होते हैं, उनके जहनों में बात समझ में नहीं आती, सेकंडों वालों की बात समझ में आ जाती है, थर्ड वालों की बात समझ में आ जाती है। अल्लाह का यह निज़ाम है, और उस वक्त यह मतलब समझ में नहीं आ रहा था और जगह जगह ये ऐलान हो रहा था। हम उस आयत को कैसे माने जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है आमाल तो ले जाएंगे, आमाल तो दिखते नहीं हैं। तौली वो चीज़ जाती है जिसका वजन होता है, तौली वो चीज़ जाती है जो जिस्म वाली होती है, तौली वो चीज़ जाती है जो दिखने में आती है। अल्लाह ताला कहता है कि हम आमाल तो लेंगे, आमाल किस तरह तो ले जा सकते हैं, आमाल किस तरह तो ले जा सकते हैं। मैं इस बात को अपनी मुकम्मल करता हूं और बात को ख़त्म कर देता हूं। मेरे अजीजों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह जिक्र किया तो मेरे हज़रत शाह मुहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया, वो जमाना था और आज का जमाना है। आज के इस जमाने के अंदर मेरे अजीजों, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा बुखार कैसे तोला गया था, तुम्हारा बुखार कैसे तोला गया था, तो हर बच्चा कहता है कि हमारे बगल के अंदर एक आला लगाया गया था जिसमें यह पता चला कि हमारे बुखार इतना है। किसी से मालूम करो, साइंसदान कहते हैं, फिजा के और मौसम के मुहक्किकीन कहते हैं, आज हवा का रुख इतना चला जबकि हवा दिखी नहीं, बुखार दिखा नहीं। मेरा दीदू, पता चला कि हमारी मस्जिदों में जो घड़ियां मौजूद हैं, उन घड़ियों के अंदर हमारे मौसम के हर एक लिहाज को रखा गया है। गर्मी इतनी है, बुरूदत इतनी है और शिद्दत इतनी है, सारी बातें बतलाई जा रही हैं। कल को इस आयत करीमा को समझने वाले जब समझ रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें इस आयत करीमा का मतलब समझ में नहीं आता है, हमारी अकल के खिलाफ है, हमारी अकल में नहीं आता, इसलिए हम इनकार करते हैं। आज छोटे से छोटे बच्चे को उठाइए और उससे पूछिए, बुखार नजर नहीं आता लेकिन थर्मामीटर के अंदर वो बुखार आ जाता है। वो अगर हवाओं और फिजाओं का रुख का मसला आता है तो हमारे तमाम मीजान बतला देते हैं, हवा किस रुख पे जा रही है और मौसम की शिद्दत होती है तो उसमें भी ये पता चल जाता है कि इस वक्त मौसम में शिद्दत है कि नहीं है, इस वक्त ठंडक कितनी है, इस वक्त हरारत कितनी है। एक छोटा सा मासूम बच्चा जो जहन रखता है, जो नीचे दर्जे का जहन रखता है, जमाना बदला, हालात बदले, आज छोटे छोटे बच्चे भी तमाम सारी चीजों को जानते हैं कि जो चीज दिखती नहीं है उसे तोला जा सकता है। जब एक छोटी सी अकल रखने वाला इंसान ऐसे आले को तैयार कर सकता है जिससे बुखार को नापा जा सकता है, जिसको हवा से नापा जा सकता है, जिसको सर्दी और गर्मी से, जिस आले से नापी जा सकती है, रब्बे कायनात तो रब्बे कायनात है, वो तमाम सारे ऐसे तराजू बना देगा जिससे इंसान के आमाल तोले भी जाएंगे, जांचे भी जाएंगे, परखे भी जाएंगे। इसलिए अगर कोई ये कहे कि जी हमें ये आयत समझ में नहीं आती, अकल के खिलाफ है, तो उसका जवाब ये है, अल्लाह का कोई कलाम इंसान की अकल के खिलाफ नहीं है। ये बात अलग है कि इंसान की अकल के परे की चीज़ है, इंसान की अकल उसको समझ नहीं सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह का कलाम अकल के खिलाफ है। अल्लाह का कलाम बिल्कुल आयन, अल्लाह का कलाम इंसान की आयन फितरत के मुआफिक है, और अल्लाह ताला ने इंसानों की फितरत के लिए अपना कलाम उतारा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम और आप अपना अकीदा बनाएं कि अल्लाह के इस कुरान के ऊपर हमारा ईमान मजबूत रहेगा। दुनिया कुछ कहे, किसी अंदाज में आपको बहकाने की कोशिश करे, ये अल्लाह का कलाम है, मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिंदा जावेद, और ये मौजज़ा हमारे सामने है, और अल्लाह के प्यारे पैगंबर की खूबसूरत निशानी है। इसे हम सीने में भी उतारेंगे, अपने आमाल भी उतारेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी कहने से ज़्यादा और हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वाखुद दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब।
हजरत मुफ्ती साहब।